आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज जो प्रेस वार्ता जो हमने बुलाई है, वो एक विशेष घोषणा के लिए बुलाई है। आप लोगों को पता होगा कि मैं सारण स्थानीय निकाय से निर्दलीय विधान पार्षद हूँ। आप लोगों को भी पता होगा कि 2023 में, मतलब पिछले वर्ष, जब केदारनाथ पांडे जी के निधन के बाद शिक्षक प्रतिनिधि का भी पद जब खाली हुआ था, उसके उपचुनाव हुए मार्च महीने के अंत में पिछले वर्ष, तो हम लोगों ने एक और निर्दलीय प्रत्याशी आफाक अहमद साहब को समर्थन देकर, या कहिए कि उनको खड़ा करा के, हम लोगों ने एक अच्छा विकल्प देने का प्रयास किया, जो शिक्षक नेताओं ने उन्हें पसंद किया, उन्हें भी विजयी बनाया। तो ये जो दो चुनाव हुए, दोनों चुनावों से एक चीज़ समझ में आ गया कि वो चाहे सारण चंपारण मिलाकर जो चुनाव हुआ शिक्षक वाला वो कहे, या केवल सारण जिले का मेरा चुनाव कहें वो कहें, या किसी विधानसभा अगर या संसद क्षेत्र की बात करेंगे, या पूरे बिहार की बात करें, तो बिहार जो बदनाम है कि नहीं, यहाँ जाति से लोग बाहर वोट नहीं करते वगैरह वगैरह, वो सारे मिथक साबित हुए। हमने ये पाया कि जिस जाति के का वोट सबसे कम था उसका विधान पार्षद बना, जिस मजहब का सबसे कम वोट था उसका विधान पार्षद बना, अर्थात जाति पार्टी मजहब से उठकर सारण चंपारण के लोगों ने वोट देकर साबित कर दिया, पांच जिले के लोगों ने वोट देकर साबित कर दिया कि बिहार के लोग जाति से नहीं बंधे हुए, बल्कि नेताओं ने उन्हें जाति में से बंधने के लिए मजबूर कर दिया है। अर्थात होता क्या है कि जातिवादी दल या मजहबी दल जो हैं, वो क्या कर रहे हैं कि अपना एक प्रतिनिधि, अपना एक प्रत्याशी थोप दे रहे हैं। कोई लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होती, ये नहीं पता किया जाता कि वहाँ की जनता क्या चाहती है। वहाँ बैठे बैठे हुक्मरान तय कर देते हैं कि इनको हम भेज देंगे, किसी को एक बार, किसी को दो बार, किसी को तीन बार, किसी को बार बार, और भेजते रहेंगे चाहे वो काम करें या ना करें। और फिर जनता के पास में दो ही विकल्प होते हैं, एक एक फॉर्मेशन एक तरफ है, पांच सात दल मिलकर एक फॉर्मेशन बना लिए, पांच सात दल मिलकर दूसरा फॉर्मेशन बना लिए, और बना के जनता के पास में एक ही विकल्प बढ़ता है कि दोनों में से किसी एक को चुनो। और जब दोनों में से कोई पसंद नहीं होता, तो उनके पास ऑप्शन बढ़ता है नोटा या घर में बैठ जाना। लेकिन ये दो चुनावों ने मुझे दिखाया कि अगर विकल्प उनके मन का हो तो भारी संख्या में वो हिस्सा भी लेते हैं और अपने मन के प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, और बड़े बड़े दलों को धूल चटाने का काम भी करते हैं, दो बार करके उन लोगों ने दिखाया। अभी ये जो लोकसभा का जो चुनाव चल रहा था, तो मैं तो चूंकि ये ऑलरेडी प्रतिनिधि हूँ, मेरा अभी चार वर्ष का कार्यकाल बचा हुआ, इसी 7 अप्रैल को मेरा 2 वर्ष पूरा हुआ, आज अभी 11 अप्रैल है, मतलब 4 दिन ही गया, अभी 4 साल बचा हुआ है। तो मेरा विचार नहीं था कि मैं चुनाव में उतरूँ, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि जो दोनों फॉर्मेशन हैं वो अपना प्रत्याशी बदलें, और जो वहाँ के लोगों को पसंद हो, जो महाराजगंज की जनता जिस जैसे प्रतिनिधि को चाहती है, वैसा प्रत्याशी देने का काम करें, ताकि वो चयन कर सके कौन सा प्रत्याशी उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन एक दल ने तो घोषणा कर दी है, एक फॉर्मेशन ने, जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो सीट गया है, उन्होंने तो पुराने ही प्रतिनिधि को फिर से रिपीट करने का काम किया है, जबकि वहाँ उनको लेकर काफ़ी वहाँ के लोगों में विक्षोभ है। और दूसरे दल ने, वो दूसरे फॉर्मेशन में ये एक पार्टी को गया है जो अभी तक मंथन ही कर रही है कि किसको खड़ा किया जाए। और जिस तरह के जो सूचना आ रही है, वहाँ के लोग बड़े उद्विलित हो गए हैं, उनका ये मानना है कि नहीं, ये दूसरा फॉर्मेशन भी जिस तरह का कैंडिडेट, जिस तरह का प्रत्याशी की चर्चा कर रहा है, वैसा देता है, तो हम लोगों के पास तो विकल्प नहीं बचेगा नोटा दबाने के सिवा अथवा घर में बैठने के सिवा। लेकिन उन लोगों को पता नहीं क्यों हमारे ऊपर उनका विश्वास है, उनका बहुत दबाव आया कि आप क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं। मैंने लाख समझाने की कोशिश की कि भाई मेरा 4 साल कार्यकाल बचा हुआ है, मैं ऑलरेडी एक तरफ जो है सो काफ़ी प्रतिबद्ध हूँ, हम मुझे मौका अगर मिलेगा आप लोग लड़ाना चाहेंगे तो मैं लड़ भी जाऊँगा, तो दोनों सीट तो नहीं रख पाऊँगा, कोई एक ही रख पाऊँगा। तो वैसी स्थिति में मैं चाहूँगा कि जो दोनों फॉर्मेशन हैं को पुनर्विचार करके एक ऐसे व्यक्ति को चुनकर दें जो कि स्थानीय हो, जो आप सबको प्रिय भी हो। देखिए, ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, जब बाकी जगहों में बात करके हमने देखा, मैं सारी बातें आपको नहीं बता सकता कैमरा पर, लेकिन मैंने जब बात करके देखा तो मुझे पता चला कि उनको तो बस घमंड है, उनको तो है कि हम जिसको भी चुनकर भेजेंगे जनता मजबूर है, उनको जिताएगी करेगी क्या। तो वैसी स्थिति में आज अंतरात्मा की आवाज़ भी आ रही थी, और कुछ हमारे मित्रों ने वहाँ से फ़ोन करके एक तरह से कहिए तो मुझे बाध्य कर दिया कि आपको कुछ नहीं करना, आप केवल नामांकन कीजिए, जैसे 2 बार जिताकर आपको और आपके आपके प्रतिनिधि को भेजा है, इस बार भी आपको हम लोग जिता कर भेजेंगे, ताकि दिल्ली में भी हमारे मन का कोई वकील पहुँचे, कोई थोपा हुआ वकील न पहुँचे। जब ये बात आई तो एक बार तो मेरे विचार में आया कि मैं चलता हूँ पहले महाराजगंज, चलकर अपने लोगों के बीच में बात करके बात करूँगा, लेकिन जब
पटना पुल तक, ये जेपी सेतु तक पहुँचते पहुँचते मन में विचार आया कि नहीं अब ज़्यादा सोच विचार करने का वक्त नहीं है, अब समय आ गया है कि मैं निर्णय लूँ। मैंने निर्णय लिया और तभी मैं गंगा जी के किनारे से मुड़कर आया और 4 बजे का हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तय किया। ये है कि अब चाहे जो हो जाए, महाराजगंज की जनता को उनके मन का एक विकल्प देने का मैं प्रयास करूँगा। यदि कोई दल, जैसे दोनों दल, दोनों ही फॉर्मेशन अगर एक कोई ऐसा प्रत्याशी देते हैं जिसको महाराजगंज की जनता कहती है कि नहीं नहीं आपको जो लड़ने की ज़रूरत नहीं, मुझे ये पसंद है या हमें ये पसंद है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि मैं चुनाव न भी लड़ूं। एक ऐसा होता हुआ प्रतीत भी नहीं हो रहा है, इसलिए अब ये उतना ही सत्य है जितना मृत्यु सत्य है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और महाराजगंज की जनता को एक विकल्प देने का काम करूंगा। और मुझे विश्वास है जिस तरह से 2 बार महाराजगंज, सारण और सारण चंपारण की जनता ने तय किया और अपने मन के प्रत्याशी को जिताया, जाति मजहब और पार्टी से ऊपर जाकर निर्दलीय को जिताने का काम किया, मुझे पूरा विश्वास है कि यह चुनाव भी मैं भारी बहुमत से जीतूंगा। यही सूचना देने के लिए आज मैंने आप लोगों को कष्ट दिया है। आप भी निर्दलीय से खड़ा होंगे या फिर किसी पार्टी से? मैं तो निर्दलीय से ही खड़ा हो सकता हूं, क्योंकि जैसे ही मैं किसी पार्टी में जाऊंगा मेरी सत्ता समाप्त हो जाएगी, इसलिए मैं वो नहीं करने वाला हूं। और मुझे लगता है कि मुझे किसी दल की आवश्यकता नहीं है, यदि मैं चुनाव लड़ूं तो मुझे किसी दल की आवश्यकता नहीं है। ऐसा वहाँ के लोगों ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मुझे विश्वास दिलाया है कि उनके उनका मैं चाहता हूँ, इसलिए बार बार मुझे वो जिताते हैं। जन सुराज समर्थित तो रहेंगे ना आप, प्रशांत किशोर जी आपके चुनाव प्रचार में आएंगे? देखिए ऐसा है ना कि प्रशांत किशोर जी किसी के चुनाव में नहीं जाते हैं। वफाक अहमद का जो चुनाव हुआ था उसमें प्रशांत किशोर जी नहीं गए थे, मैं ही उस टीम को लीड कर रहा था। मैंने बल्कि जिद की थी कि हम लोग को इसमें एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देना चाहिए, चूँकि वफाक अहमद साहब हमारे जन सुराज परिवार से थे और उनको निर्दलीय लड़ने का मौका दिया गया तो परिवार के लोगों ने परिवार का साथ दिया। अभी कोई जनसुराज का कोई दल बना नहीं है और प्रशांत किशोर जी जो अगर जिस दिन दल भी बनेगा वो दल के मालिक नहीं होंगे, ऐसे बाकी दलों के मालिक होते हैं। वो एक जनसुराज जनता का सुंदर राज देने वाला एक प्रयास चल रहा है, अभी जन जागरण चल रहा है। अगले 1-1.5 वर्षों में एक समय आएगा विधानसभा चुनाव के पहले, सबके विचार से जनता के बीच से अच्छे अच्छे लोगों को चुनकर लाकर एक दल बनाने का प्रयास जरूर हो रहा है। प्रशांत जी ने बार बार कहा है कि 10 वर्ष तक मैं चुनाव तक नहीं लड़ूंगा, अर्थात वो दल उनका नहीं होगा, वो दल जनता का दल होगा। अब मैं इसको पूरा कर लूँ तो निश्चित रूप से यदि कोई भी जनसुराजी, जैसे मैं तो जनसुराज का एक जाना पहचाना चेहरा हूँ, कोई भी हमारा जनसुराजी भाई अगर कहीं से चुनाव लड़ेगा, वो चाहे किसी दल से लड़े या निर्दल लड़े, तो वैसे स्थिति में परिवार के लोग तो उसके पीछे खड़े होंगे ही। ऐसी मुझे भी अपेक्षा, हालांकि मैं किसी से बात नहीं किया हूँ अभी तक, लेकिन कई जनसुराजी लोगों ने मुझसे बात किया है कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जनसुराज परिवार के जो हमारे मित्र हैं वो निश्चित रूप से उनका सहयोग मुझे प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा आधिकारिक तौर पर न कोई हमसे कहने वाला, न वैसे घोषणा कर रहा हूँ। सहमति दिए हैं इस चीज़ के लिए? देखिए प्रशांत किशोर जी से अभी मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रशांत किशोर जी किसी को चुनाव लड़ने से रोक भी नहीं रहे हैं, इसलिए मुझे भी रोकेंगे नहीं। कांग्रेस से बातचीत का प्रयास किया आपने? कांग्रेस से भी मैं बातचीत का प्रयास किया, दूसरा फॉर्मेशन है उधर से मैंने बात किया था। दोनों जगह अपनी बात रखी थी कि ऐसा प्रत्याशी दीजिए जिससे हम लोगों को आंदोलन न करना पड़े, ऐसा प्रत्याशी दीजिए जो महाराजगंज की जनता के चुनने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं कहा था कि मुझे टिकट चाहिए, क्योंकि मैं तो टिकट ले ही नहीं सकता, कि सबसे पहले मुझे 4 साल की संस्था को छोड़ना पड़ेगा, तो मेरे लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाने की बात है। तो मुझे तो लड़ना होगा, मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैंने जरूर आग्रह किया था कि इस बार कोई ऐसा प्रत्याशी दीजिए जो महाराजगंज की जनता पसंद करे और महाराजगंज के लोगों के बीच में से चुन के दीजिए, बाहरी को ले आकर थोपिए मत। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, एक दल ने तो घोषणा कर ही दी है, उसी पुराने कढ़ी में फिर से उबाल डाला है, और दूसरा जो है आप सुन ही रहे हैं। सर, मेरा एक सवाल है कि क्या, अच्छा बोलिए। सस्ता जी, प्रशांत किशोर हमेशा खुले मन से अपनी जनसुराज की पदयात्रा में भी करते रहे कि यदि लोकल प्रत्याशी जिसे कि वहां के लोग कहे कि वो लड़े, तो क्या आप उसी चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर ने यहाँ भी कहा कि यदि प्रत्याशी उस इलाके का होगा, वहाँ की जनता चाहेगी, तो जन धन बल यहाँ तक कि चुनाव जीता कर भी दिखाएंगे। प्रशांत किशोर किसी का हराने के लिए चुनाव? देखिए यही सोच है जितने भी लोग जन सुराज से जुड़े हैं, चूंकि वो प्रणेता है उसके, चूंकि वो सूत्रधार हैं, तो वही सोच वाले लोग उनके साथ जुड़े हैं। बिल्कुल हमारा भी यही मानना है, प्रशांत जी ने भी कहा है और जितने जन सुराज हैं उनका यही मानना है कि जनता का प्रतिनिधि उनके बीच से ही होना चाहिए, कोई थोपा हुआ नहीं होना चाहिए, और जिसको जनता चाहती हो वैसे लोगों को ही अवसर मिलना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? आपने देखा दोनों फॉर्मेशन में, किसी एक फॉर्मेशन का दोष नहीं दूंगा, दोनों फॉर्मेशन में बैठ कर तय कर दिया जाता है, कई जगह तो टिकट बेचने का भी आरोप लग रहा है।
हम लोग खुद स्वयं जानते हैं, क्योंकि मेरे पास उसका कुछ सबूत नहीं, इसलिए मैं कैमरा पर नहीं कह सकता, लेकिन हमें पता है और सब स्वीकार करते हैं कि कई जगहों के टिकट बेचे गए हैं। वैसी स्थिति में जनता के साथ ठगी नहीं तो क्या हो रहा है? और जो ऐसे ठगी करने वाले लोगों के विरुद्ध खड़ा होना मेरी समझ से मेरा जनतांत्रिक अधिकार भी है और दायित्व भी है, वही मैं कर रहा हूँ। आपको नहीं लगता है कि जो चार साल आपके बचे हुए हैं तो अपने बड़े बेटे या छोटे बेटे की राजनीति में एंट्री कराकर उनको सदन में सेवा करने का या क्षेत्र की सेवा करने का मौका दिया? मैं पहले एक बात बता दूं कि हम वैसा कुछ नहीं करने वाले हैं कि बिना जिसका कोई अधिकार न बनता हो या जिसकी जिम्मेवारी न बनती हो उसको ले आकर मैं थोप दूं जनता के ऊपर में। जो शिकायत मैं दूसरों पर कर रहा हूँ वो शिकायत मैं अपने से भी करूँगा। इसीलिए मेरा बेटा के चुनाव लड़े ये तो प्रश्न ही नहीं उठता। जरूर कई जगह बातें उठी हैं, ये मानता हूँ। अब मेरा बेटा अगर आएगा तो मुझे खराब नहीं लगेगा, लेकिन फिर वो अपने अधिकार से आएगा, तब अपने योग्यता के दम पर आएगा, अपनी इच्छा से आएगा, तब होगा। लेकिन मैं नॉमिनेट कर दूँ कि मेरे स्थान पर मेरा बेटा लड़ेगा, ऐसा अर्धांगिनी के बारे में कह सकता हूँ। क्योंकि क्या है कि आजकल ये चलता है कि तो महिला सीट हो गया तो पत्नी को लड़ा देते हैं लोग, माता को लड़ाते हैं, वहाँ तक मैं मान सकता हूँ, क्योंकि आगे रिजर्वेशन भी आने वाला है। तो वैसा एक समय आएगा जब रिजर्वेशन के चलते मजबूर होकर हो सकता है कि धर्म पत्नी को लड़ा के और आधा अंग बन के किया जाए, लेकिन वो उसको मैं परिवारवाद नहीं मानता। लेकिन यदि हमारे बाद आनुवंशिक बना देंगे कि हमारा पुत्र आके चुनाव लड़े, तो ये हमारे पुत्र को तय करना होगा कि क्या वो अपने दम पर टिकट ले सकता है, वो मैं तय नहीं करूंगा और ऐसा करने वाला नहीं। सचिनानंद जी, आपने बात बोला कि आपने दोनों पार्टियों से बात की थी, कोई योग कैंडिडेट हो महाराजगंज से, कोई योग कैंडिडेट आपने नाम भी दिया था कि सिर्फ अपना नाम दिया था जिसकी वजह से आपको वहाँ नहीं दिया गया? तो आपने देखिए एक बात बता दूँ, जब मैं जाऊंगा तो मुझे जो सबसे अच्छा लगेगा उसी का नाम लूंगा। कोई नाम बता सकते? उनको बताऊंगा आपको, जब हुआ ही नहीं, घोषणा ही नहीं उसके नाम से पक्ष में, तो मैं क्यों बताने जाऊं? ये बनता नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से मेरी नज़र में जो एक योग्य व्यक्ति था उसका नाम मैंने जरूर वहाँ आगे बढ़ाया है। अब अगर वहाँ के उस पर विचार ही नहीं किया गया और पहले से तय किया जा चुका है कि नहीं किसको लड़ाना है, तो फिर तो उसका महत्व ही नहीं है, बेकार में हम काहे को अपना कपड़ा खोलने जाए भाई। सरसा जी, बहुत बड़ा सवाल और है, क्या महाराजगंज सीट आपने उसलिए ही चुनी है? थोड़ा सा ये सवाल हटके है कि वहाँ आपकी बिरादरी का भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा वर्चस्व दिख रहा है। अब क्या करें भाई, मेरा जन्म महाराजगंज में हुआ है तो कहाँ चले जाएं, तो स्थानीय की बात कर रहे हैं हमारे वहाँ। अच्छा, सारण जिला से जब मैं लड़ा चुनाव तो मेरे बिरादरी का 1% वोट भी नहीं था। जो चुनाव मैं लड़ता हूँ, जो स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ता हूँ, आप डेटा निकाल के देख लीजिएगा, 5500 वोट में 55 वोट नहीं हुआ मेरी बिरादरी का, फिर भी वो चुनाव लड़ा और 2 बार 52% 56% लेकर जीता। इसलिए मेरे ऊपर जातिवाद का आरोप तो लग ही नहीं सकता है। लेकिन अब भाई, मेरा जन्म अगर वहीं हुआ तो जन्मभूमि कैसे बदलते हैं? हम माता पिता जन्मभूमि बदलना मेरे बस में है क्या? पत्नी जरूर मैंने चुना है, पत्नी मैदान में है। क्या क्या चुनौतियाँ होंगी और चैलेंजिंग क्या होगी वहाँ? मैं किसी चुनौती को चुनौती समझता ही नहीं हूँ, जब तक जनता का विश्वास मेरे साथ में है मैं किसी भी चुनौती को चुनौती नहीं समझता। आप प्रशांत किशोर को फ्रंट फुट पे क्यों नहीं ला रहे हैं? क्यों चुनाव हारने का डर है और उनका चेहरा जो है बदनाम हो जाएगा, इसी वजह से उनका नाम? आपने प्रशांत किशोर जनसुराज अभियान को समझने का काम ही नहीं किया है। जनसुराज के मजबूत सिपाही हैं ना। पूरा जो अभियान चल रहा है वो यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन करने की, बिहार के व्यवस्था परिवर्तन करने का अभियान है वो। अब बिहार का व्यवस्था परिवर्तन लोकसभा के चुनाव में नहीं हो सकता है, उसके लिए विधानसभा के चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात, जब तक खाना पके नहीं उसको परोस देने से स्वाद नहीं आएगा उसमें। अभी जब आधा बिहार पद यात्रा पूरी नहीं हुई है तो हम लोकसभा चुनाव लड़ने जाए, 2-4 सीट पर लड़ ही लेंगे तो उससे क्या बन जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा? इसलिए वो आधे मन से तो कोई काम प्रशांत किशोर न करते हैं, न कोई जनसुराजी करने वाला है। नॉमिनेशन कब करने जा रहे हैं सर, ये बता दें? जैसे जिस दिन से नॉमिनेशन शुरू होगा एक शुभ दिन देखकर नॉमिनेशन कर लूंगा। ये तो औपचारिकता बची हुई है। मुद्दा क्या होगा आपका? मुद्दा क्या होगा? बस वही सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। मुद्दा तो बदल नहीं सकता।